गाइस नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। देखो हम लोग बहुत दिन बाद, मतलब मैं तो ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद इस गाड़ी में बैठी हूँ। लॉकडाउन में यहाँ की विलेज और यहाँ के खेत सबसे सुरक्षित, क्योंकि हाँ सबसे सुरक्षित तरीके से, और क्योंकि हम लोग एक काम से जा ही रहे थे, वो भी आपको पता चल ही जाएगा जब आप वीडियोस देखोगे। बहुत सारे वीडियोस पेंडिंग में हैं, पर बहुत एक्साइटिंग से वीडियोस हैं जो हम लोगों ने बनाए। इट्स काइंड ऑफ हमारी जो डेली लाइफ रूटीन है उससे रिलेटेड वीडियो हमने बनाए, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर जाने के लिए कुछ है नहीं, तो ये ही कर सकते हैं कि घर पे बैठ के वीडियो बनाए। पर मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को, बहुत बोर हो रहे होंगे शायद घर पे बैठे बैठे, तो मैं आपको यहाँ के खेत दिखाती हूँ और यहाँ की विलेजेस दिखाती हूँ कि कैसे होते हैं। तो आज दीपक हमें कोई सी दूसरी विलेज लेके जाने वाला है, बताओगे कौन सी? सरप्राइज है, पहले हम उससे पहले वो देख लें जरा। हाँ, हमको एक चीज लेनी है, वो भी एक सीक्रेट है। हर चीज आपको सीक्रेट है, बस खेत दिखाना और क्या कहते हैं उसे, यहाँ की विलेज दिखाना, वो मैं आपको वो बताती हूँ, रिवील करती हूँ इस वीडियो में। बाकी सब चीज आप जैसे जैसे वीडियो देखते जाओगे आपको पता चलता जाएगा। तो चलो फिर इंजॉय करो। देखो गर्मियां शुरू हो गई हैं, ये सारे खेत हैं आजू बाजू, अब शुरू हो जाएगी यहाँ पर। ये सारी सरसों लग गई है, देखो येलो वाली स्टार्ट हो गई है। देखो खेत जुताई हो गई है यहाँ पे। जुताई क्या होता है? जोतते हैं ना खेत को। हाँ। ट्रैक्टर से हल से किसी भी चीज से। यहाँ पे सब काम मशीन से होता है, इसीलिए बड़ा सिस्टमेटिक दिखता है, क्योंकि एक ही जैसा काम होता है, सब मशीन से ही पूरा काम करते हैं। पहाड़ियों में आ गए हैं, गाँव के पहले जंगल। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे जाती हूँ ना, तो रॉन्ग टर्न मूवी याद आती है। रॉन्ग टर्न नहीं है ये, देखो पटाक से टर्न। कभी अपन ने कभी रॉन्ग टर्न ले लिया और पता नहीं कहाँ पहुँच गए। मेरा ऑफिस का यहाँ पर भी एक ऑफिस है, कुछ दिन ट्रेनिंग चली थी, मैं इधर ही आया था, तो रात में यहाँ से निकलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि भैया आज तो भूत पकड़ लेगा, लेकिन अच्छा सेफ हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, पर डर लगता है एकदम से, ऐसा देखो कि और अंधेरे में रात में मैं एक दिन ना डराऊंगी लोगों को सफेद कलर की साड़ी पहन के, पर यहाँ थोड़ी ना डरेंगे लोग हैं दीपक। सफेद साड़ी तो ये जब पहनते हैं, व्हाइट कपड़े जब इनके यहाँ शादी होती है। नहीं, लेकिन अपने यहाँ तो अगर ऐसे रात में सुनसान जगहों पे सफेद साड़ी में निकल टक्कर मार के चले जाएंगे, वैसे फास्ट चलाते हैं यहाँ पर रोड पे गाड़ी। डरेंगे नहीं, मतलब है डरेंगे क्यों नहीं, है तो इंसान ही पर साला, या इनके डर के चक्कर में हमारी जान चली जाएगी, हमें थोड़ी अपनी जान देनी है। ये तो सही बात है। येलो बस टुडलैंगन, यहाँ मेरी एक फ्रेंड रहती है टुडलैंगन में, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये वाली गांव दिखाती हूँ। उसके नहीं जाएंगे पर अगर उसे पता चलेगा तो बहुत ही खुशी आएगी बाद में कि आई क्यों नहीं, क्योंकि कोरोना टाइम है, तो इट्स बेटर।
सलमान खान सलमान खान भी यार रैप भी कर दिया उसमें जो 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 सारे जहां से अच्छा हंसी आ रही है वो सबसे अच्छा लगा मुझे हिंदुस्तान जो मन में आया करता रहता बैठे बैठे यहाँ की जितनी बाहर की फिल्में मूवीज दिखाते हैं उनमें जंगल के या गांव के सीन दिखाते हैं उनमें लकड़ियाँ कटी हुई रखी रहती हैं कितनी एकदम यूनिफॉर्म प्रॉपर कट के एकदम सजा के रखते हैं वो तो सही में ही तो रखते हैं वो एक्चुअली ऐसा है पता है उसका रीजन क्या है जो मैंने बताया ना अभी कि हर काम मशीन से ही होता है यहाँ पे तो वो भी मशीन से काट के उसको मशीन से उठा के पूरा स्टॉक बना के रखते हैं इसलिए सब बड़ा जमा हुआ दिखता है सुंदर तो तुम्हें ऐसा लगता था कि ये जानबूझ के मूवीज के लिए सर पिक्चर के लिए सजा रहे हैं यार ऐसा क्योंकि अपने को ऐसे लकड़ियां मतलब एकदम बढ़िया प्रॉपर काट के ऊपर एक ऐसे बंडल सा बना के बहुत रेयर है देखो ट्रैक्टर दिखने लगे रुको देखो वो ट्रैक्टर है देखो यहाँ पर भी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज गैराज सब छोटे छोटे गाँव ये जो ट्रैक्टर जा रहा है ना इसको हम ओवरटेक नहीं कर सकते जब तक आगे बिल्कुल रोड एकदम सीधी ना हो चाहे कछुए की चाल चले चाहे कछुए की चाल चले या किसकी चाल चले इसके पीछे पीछे चलना जब तक जगह ना हो यहाँ के ट्रैक्टर बड़े होते हैं क्या कि अपने जितने ही होते हैं बड़े तो देखो बड़े होते हैं और चारों तरफ से बंद होते हैं जैसे गाड़ी होती है ना कुछ ओपन भी होते हैं लेकिन रूफ सब में रहती है मैक्सिमम बंद ही देखे मैंने क्योंकि सर्दियों में बारिश में काम करते हैं ये लोग अब देखो गांव के घर देखो लगेगा नहीं आपको कि ये गांव है एकदम वैसा ही है बल्कि गांव के घर ज्यादा अच्छे होते हैं पूरे खुले खुले गार्डन होते हैं उसमें तो चाचा मुड़ गए तो अब हम जा सकते देखो गाँव कैसे है कितने मतलब ऑब्वियसली गांव यहाँ के और जैसे हमारे यहाँ भी देखो गार्डन कितना अच्छा है राइट साइड में यहाँ के गांव क्या तो बोले यहाँ के गांव कितने अच्छे ही लगते हैं वो तो गार्डन बस यही है कि यहाँ पे भी जैसे शहरों के कंपैरिजन में गांव में ज्यादा जगह होती है खुली जगह ज्यादा होती है लोगों के पास गार्डन होते हैं जो मेरी लैंग्वेज की बुक थी उसमें एक चैप्टर था यहाँ की शहर और गाँव के बारे में उसमें भी यही कंपैरिजन था वही जैसे हमारे यहाँ होता है लोग शहर में भागा दौड़ी छोड़ अपार्टमेंट्स हैं एक के ऊपर बिल्डिंग में टंगे हुए लोग यहाँ पे भी वैसे ही है गांव में एकदम देखो क्या शांति है खूब स्पेस है याद है मेरी फ्रेंड का घर हाँ याद है सीधा सीधा ही तो है यहाँ से राइट तो तुम्हारी फ्रेंड का घर ही है वो सामने वाला जो है ये मेरी दोस्त का घर है दीपक को याद है और मुझे याद नहीं मुझे सारे रास्ते याद रहते हैं तो कैसा लग रहा है घूम के गांव देखो बढ़िया बैठा आराम से धूप में बड़े लेकिन यहाँ पे वही है क्वालिटी ऑफ लाइफ में डिफरेंस नहीं है शहरों की गांव की यहाँ पे भी पूरी मतलब 24 घंटे मतलब लाइट बिजली पानी बेसिक सुविधाएं और मेंटेलिटी पे मेंटेलिटी में तो थोड़ा डिफरेंस होता है यार मानना पड़ेगा शहरों के कंपैरिजन में मतलब थोड़े से मतलब क्या बोलो उसको नैरो माइंडेड बोल सकते नैरो माइंडेड नहीं थोड़े ओपन नहीं होते ओपन नहीं होते और देखो ये सबसे अच्छी चीज होती है मुझे दिखाने के लिए घोड़े चिड़ियों की आवाज आ रही है एक्चुअली ना सबसे अच्छी चीज ये होती है कि ये जब हम ऐसे जाते हैं ना ड्राइव पर या घूमने तो एक माइंड फ्रेश हो जाता है बिकॉज हर जगह ग्रीनरी 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 दिखती है तो माइंड बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाता है अब जैसे आज कितने दिन बाद निकले हैं और फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है तो मेन तो मोटिव यही था कि हम लोग घूमेंगे तो साथ में आपको भी घुमा ही रहे हैं हम लोग ये कुछ ऐसा होता है क्या दीपक हिली एरिया में ये लंबे वाले प्लांट्स होते हैं कौन से लंबे वाले प्लांट्स वो जो लंबे लंबे दिखते हैं हाँ, वो तो होते हैं पहाड़ों पे जनरली इसलिए
पूरे यूरोप में हिली हिली है और लैंडस्केप इस वजह से यहाँ बहुत होते हैं ना। अपने अभी तो कश्मीर में होते हैं। कश्मीर कितना सुंदर लग रहा था अभी कुछ उसके वो पिक्चर्स पर। अभी तो पूरे इंडिया सुंदर लग रहा है यार। हम लोग ड्राइव पे जा रहे थे। अब आप लोग मुझसे पूछोगे वो जगह कौन सी थी, तो जुलेंगन करके हमारे घर के कुछ 5-6 किलोमीटर दूर ही है, हम वहाँ पर गए थे और वहाँ आपको दिखाने की कोशिश करी क्योंकि आसपास के कुछ गांव मैंने आपको दिखाई दिए हैं। एंड बिकॉज सरसों जो है वो अब बहुत अच्छे येलो येलो फ्लावर्स आ गए हैं और बहुत सुंदर लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको वहाँ भी लेके चलूं। प्लस ये जो बहुत ही सुंदर नेचर हो रहा है विद इतने सारे ग्रीन ग्रीन पेड़, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं तो इसकी वजह से ना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये वीडियो आपको दिखाना चाहिए। एक तो समर स्टार्ट हो गई है और बहुत ही मतलब गर्म मौसम है, तो हम लोगों को भी मज़ा आता है आपको घुमाने में। प्लस हम लोगों को भी बहुत बोर हो रहा था घर में बैठ के, सीरियसली बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, तो सोचा चलो आपको दिखाते हैं। तो यही है इस वीडियो की कहानी और आगे बहुत ही मज़ा आने वाला है। कब आएगा खेत? खेत ही खेत तो चल रहे थे इतनी देर से, बस ये है कि यहाँ पे हम रोक नहीं सकते कहीं भी गाड़ी, तो ऐसी जगह ले जानी पड़ेगी जहाँ पे गाड़ी रोक सके खेतों में। और ये चश्मा कैसा लगा रखा है, तो पहन ले आओ थार से, ये कौन सा तरीका है? बट वो था क्या? माई चॉइस माई लाइफ माई रूल्स माई रूल। शादी हो गई है तेरी तो? नो लाइफ Your life, my rules. Your life, my rules. Jokes part पर तूने वो वाले jokes वाले वो नहीं सुने हैं? Jokes पूरे पति पत्नी वाले jokes. कौन से jokes? मैंने तो बच्चा सिंह के jokes सुने। आज मैंने सुन रही थी ना, एक आदमी बोलता है कि गवर्नमेंट से बोल रहा है पीएम मोदी से, यार अभी कोई भी ना अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है रूल्स कोरोना के और ये और वो जो भी आपने बोले हैं। तो उसने बोला क्यों, ऐसा क्या क्या हुआ? मेरी बीवी कल मायके में थी, आज आ गई रो रो के बोल रहे। क्या उगाएंगे ये पता नहीं। ये देखना क्या आ रहा है सामने, डर लगता है मुझे। जो पतली रोड है मुझे ऐसा लगता है टक्कर हो जाएगी। बस आगे खेत में ही तो है, देखो इधर। अब बताओ ये है हम सरसों के खेत में है ना? ये सरसों के पौधे हैं, पेड़ है? पौधे हैं ये। पिछली बार तो तुम बोल रही थी पेड़ है। हाँ यार मेरा बहुत मजाक उड़ाया था तुम, जब मेरे वीडियो ले रहे थे तो तुम बोल नहीं सकते। बोला तो था मैंने पेड़ होते हैं क्या? अरे यार तो फिर मुझे नहीं पता था ना, तो मुझे पता है क्यों नहीं पता था, क्योंकि मैं कभी खेत में गई नहीं थी उससे पहले, मेरे पापा कभी लेके नहीं गए थे। तुम एरोप्लेन में नहीं गई थी तो तब तक तुम एरोप्लेन नहीं पता था क्या? अरे यार वो पेड़ ही निकलता है। लॉजिक है, लॉजिक कोई बात नहीं होता है। देखो गाइस अब हम लोग खेत पे बैठ चुके हैं। खेत पे तो बैठ गए हैं, पीछे का व्यू तो देखो जरा। इस व्यू
ये हमारी गाड़ी खड़ी है, ये हम बैठे हैं खेतों में। वो देखो दूर वो दिख रहे हैं पहाड़, कुछ नहीं है, सन्नाटा शांति। और यहाँ पे बैठी है एक पागल लड़की, दिखाता हूँ एक मिनट। ये देखो पागल, खेत दिखाने के लिए बेचारी मेरा दिमाग खराब है, कितनी मेहनत कर रही है खेतों में बैठी है क्वारंटाइन के टाइम पर। ये खेत दिखाना शहर दिखाने से ज्यादा इजी है इस टाइम पे, कोई नहीं है, सन्नाटा। और अगर आपको ये खेत अच्छा, तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। और यहाँ का खेत और गाँव वो ज़रूर बताना। क्वारंटाइन टाइम था तो मैंने ऐसे ही बहुत ज़्यादा अंदर घुस घुस के नहीं वीडियो बनाया, लेकिन मे बी नेक्स्ट टाइम जब सब कुछ सही हो जाता है तो हम लोगों के बहुत सारे प्लान्स हैं आप लोगों को घुमाने के लिए। पर अभी के लिए थोड़ा बहुत हाइलाइट्स देने के लिए आई थिंक ये वीडियो बहुत अच्छा है। और ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। जाने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो ये रेड बटन है ये क्लिक करनी है। इन केस आपने गूगल अकाउंट से लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन कर लेना, वो आपसे आपका बेसिकली यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, जिसमें डरने की कोई बात नहीं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लिया, मतलब ग्रे बटन दब गया। और हाँ, ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको मेरे वीडियोस कब आए ये पता ही नहीं चलेगा। तो जो बेल की घंटी है वो ज़रूर दबाना और लाइक करना मत भूलना गाइस।